Today we will start the topic drift velocity and mobility. We understand what actually the drift velocity. Listen here, यहाँ देखो, ये conductor ने लिया और इस conductor में there are the free electrons. These are the electrons and these electrons are moving randomly here and there. They may move in this direction, they may move in this direction. It also moved somewhere else. ये भी कहीं और जा रहा है. क्या देख रहे हैं? सभी इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली, देयर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई भी कहीं भी जा रहा है, मूव कर रहा है. अब ऐसे में इन सभी का अगर हम वेलोसिटी लेते हैं, जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हमने लिया कंडक्टर, और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेंडम मूवमेंट कर रहा है. तो ऐसे में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स जो आप ले रहे हैं, दैट इनिशियल वेलोसिटी यू, दैट इज इक्वल टू जीरो. इनको सारे का अगर हम ले रहे हैं एन टाइम्स तक, तो दैट इज द यू वन प्लस वेक्टर प्लस यू टू वेक्टर प्लस यू थ्री वेक्टर प्लस अप टू द एन, दैट इज अप टू द यू एन वेक्टर. ऑन दैट केस दैट इज द मीन वैल्यू एंड दैट यू वेक्टर, that initial velocity of all the vectors, सभी vector का, सभी electron का, जब आपने initial velocity देखा, तो net value of initial velocity क्या मिला? Null vector, that is the zero. लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे potential apply किए, मतलब whenever this conductor in the relation with the potential difference by any source, किसी भी तरह से अगर इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, मान लो हमने इसके साथ बैटरी के साथ लगाया, या और भी कोई सोर्स हो सकता है जिसके साथ आप इसको कनेक्ट कर दिए, तो ऐसे में यहां पर क्या हो गया, देखो गौर से, ध्यान से समझो कि यहां पर जैसे ही आपने पोटेंशियल लगाया, ऑन दैट केस ये लेंथ आपने लिया कंडक्टर का एल, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सपोज एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, so on that case it produces the electric field, मतलब यहाँ पर एक electric field तैयार हुआ, that electric field is the E vector, और E vector को आप क्या देख रहे हैं, that electric field क्या हुआ, E vector, कैसे, यहाँ potential आपने लगाया और ये length L है, आप जानते हैं electric field by magnitude E is equal to D by L, so ऐसे में electric field produce किया, that is the D by L, और इस जगह पे हम क्या डालें कि पोटेंशियल कांस्टेंट है, जो भी आप पोटेंशियल लगाएं वो कांस्टेंट है, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी कांस्टेंट है, ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला हमको, कांस्टेंट मिला. अब देखो यहां पर समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मिला, और जहां पर भी चार्ज है, चार्ज क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दैट इज द नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन पे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर गया, या कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर फोर्स एक्सपीरियंस किया, और ये फोर्स का डायरेक्शन जो फोर्स आप देख रहे हैं, वो फोर्स कितना हो गया, माइनस ई, और ये जो फोर्स यहां प्रोड्यूस किया, ये फोर्स जो यहां पर आप देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन पे एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पहले किसी और डायरेक्शन में था, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो इसमें फोर्स प्रोड्यूस किया, और वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आ गया, माने फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर की ओर है, फील्ड का डायरेक्शन ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि आपने टर्मिनल पॉजिटिव यहां लिया है, यहां नेगेटिव लिए हो, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ऐसे में द फोर्स का वैल्यू क्या हुआ, कॉन्स्टेंट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी कॉन्स्टेंट है, हम जानते हैं कि फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस ई सभी इलेक्ट्रॉन में, और क्या आपने लिखा है, अभी आपने लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ऐसे में फोर्स का वैल्यू भी क्या हो गया, दैट फोर्स इज आल्सो कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट फोर्स सभी इलेक्ट्रॉन में एक्ट कर रहा है, दैट मींस जो पहले इलेक्ट्रॉन अपने किसी और डायरेक्शन में जा रहा था, वो अब इस फोर्स के द्वारा एक्सीलरेट किया, और इसका डायरेक्शन मान लो, सपोज करो कि डायरेक्शन इस सभी का कुछ पार्ट में गया, और जितना पार्ट ये टर्न किया वो ड्रिफ्ट किया, क्यों ड्रिफ्ट किया, क्योंकि अब सब में ड्रिफ्टिंग वाला पार्ट उतना ही रहेगा, मतलब ये भी उतना ही ड्रिफ्ट करेगा जितना ये ड्रिफ्ट कर रहा है, यहां पर ड्रिफ्ट आ गया, ड्रिफ्ट क्यों, क्योंकि सेम फोर्स यहां पर भी एक्ट कर रहा है, सेम फोर्स यहां भी एक्ट कर रहा है, सेम फोर्स यहां भी एक्ट कर रही है, ये भी ड्रिफ्ट कर गया,
तो यहां पर भी जो ड्रिफ्टिंग हुआ, ये भी ड्रिफ्ट जो हुआ तीनों में आप देख रहे हैं, ये सेम फोर्स एक्ट कर रहा है क्योंकि कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है। और दैट ड्रिफ्ट होने का कारण क्या है कि सभी इलेक्ट्रॉन के पास मास है, दैट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ऐसे में ये फोर्स के चलते यहां पर हर एक इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट कर गया अपने जो पहले प्रीवियसली जो अपने डायरेक्शन पे जा रहा था, अब वो डायरेक्शन बदल गया। दैट मींस देयर इज द एक्सीलरेशन ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द फोर्स, एंड दैट फोर्स इज द कांस्टेंट टू एवरी इलेक्ट्रॉन, सभी के लिए। तो ऐसे में ये क्या कहलाया, दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट करने के बाद जो कि वेलोसिटी इसने गेन किया वो वेलोसिटी कहलाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी क्या गेन किया, क्योंकि जितना अमाउंट यहां ड्रिफ्ट कर रहा है सभी जगह उतनी अमाउंट ड्रिफ्ट कर रहा है। क्यों ड्रिफ्ट कर रहा है, क्योंकि इसको वो वेलोसिटी एक्वायर करना है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चले, ठीक है। तो ऐसे में ये एवरेज वेलोसिटी सभी इलेक्ट्रॉन गेन किया, और ये सभी कॉन्स्टेंट है क्योंकि हमने सबसे पहले यही बताया है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यहाँ फोर्स कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट एक्ट करेगा सभी इलेक्ट्रॉन में। तो ऐसे में सभी इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चेंज करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, देखो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी। कहां पर ये वेलोसिटी है, इन ए फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड ड्रिफ्टेड किधर ड्रिफ्ट किया, अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां है, पॉजिटिव टू निगेटिव, और उसके अपोजिट में ड्रिफ्ट किया, गेट ड्रिफ्टेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, जो पहले आप लिए थे उस समय मीन एवरेज जो मिला था आपको, इनिशियल वेलोसिटी, वो इनिशियल वेलोसिटी आपका जीरो था, लेकिन क्योंकि सभी सब डायरेक्शन में थे, अब लेकिन ड्रिफ्ट कर गया, सभी ने एक एवरेज वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट किया, और सभी की टेंडेंसी क्या हो गई, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करना, एंड दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इज नोन एज, या इट इज, तो यहां लिखी दिए, दैट मींस इट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ अब इसको हम कैसे देख रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है, अभी हमने पढ़ा कि सभी इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और द फोर्स एक्ट ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज फोर्स एक्ट्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज कितना होगा, तो फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, दैट इज द माइनस ई एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ देयर इज द वेक्टर, आइदर फोर्स एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर द वेक्टर, this negative indicate the direction of the force is against the electric field, negative indicates the direction of the force is opposite to the अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिया है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में क्या पड़ रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है, यहां पर आपने देखा। अभी हम बात कर रहे हैं, दिस फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑन एन इलेक्ट्रॉन, द फोर्स प्रोड्यूसेस,
या सीधे लिख सकते हैं एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक्सीलरेशन ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज, कितना एक्सीलरेशन हो गया, ए वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स बाय द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमने यहां लिखा है, इसको थोड़ा बड़ा देख लो, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एम। तो ऐसे में यहां पर हम लिख सकते हैं फोर्स का वैल्यू, अभी हम लोग यहां लिखे दैट इज इक्वल टू माइनस ई बाय एम ई, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगेन देयर इज द निगेटिव, और यहां पर भी हमको मिल रहा है कि दैट डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो आप ले रहे हैं यहां पर उसके अपोजिट में डायरेक्शन, यहां भी निगेटिव है, सो एक्सीलरेशन भी निगेटिव डायरेक्शन कर रहा है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, सो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया। नाउ देयर इज द मोशन, देयर दैट मोशन इज द थर्मल मोशन, जो पहले इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था और जैसे ही आपने पोटेंशियल लगाया ऐसे में वो ड्रिफ्ट किया, और ऐसे में ड्रिफ्ट वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ऐसे में हम लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। नाउ एक्सीलरेशन इनटू दैट इज द टी, नाउ दैट टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द टाइम पीरियड बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन एंड दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। Now here we will just substitute the value of A. So drift velocity Vd is equal to in place of u we will write the zero, so that u vector is equal to zero plus in place of this A, that is the minus ee by m e and the time period t. Now the time period t is written as tau. That is called relaxation time. इसको क्या कहेंगे? Relaxation time. That time, which type of time? That is the time period or the average time period or the mean time period between the two successive collision. दो successive collision के बीच का जो relax होकर के electron का movement होता है, उसको relaxation time कहते हैं, या free मीन पाथ कहेंगे। तो ऐसे में ये बात हमको मिला रिलैक्सेशन टाइम। अब यहां हम लिख सकते हैं दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू माइनस ee बाय me इनटू tau। अगेन दैट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इज हियर, वी कैन राइट द वेक्टर हियर आल्सो, दैट इज आल्सो द रिलेशन वेक्टर, हियर आल्सो वी विल यूज द वेक्टर। So on that case, again the drift velocity have the direction opposite to that of the where electric field. So drift velocity also have the direction opposite to that of the electric field. We can write here the drift velocity have the direction opposite to the applied electric field. Electric field E vector, उसके opposite में drift velocity, that is the Vd, इसका direction होगा, क्योंकि यहां negative हम देखते हैं। तो हमने जाना यहां पे कि इलेक्ट्रॉन सभी एक एवरेज और मीन वैल्यू से ड्रिफ्ट करेगा और वो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में मूव करेगा, सो दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वन मोर थिंग टू नो दैट ड्यूरिंग द एक्सीलरेशन दिस एक्सीलरेशन इज वेरी स्मॉल, दैट इज द नोट पॉइंट, द एक्सीलरेशन ऑन एन इलेक्ट्रॉन आर
वेर फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड वेरी शॉर्ट इंटरवल बिकॉज दे मेक ए कोलिजन इट इज व्हाई बिकॉज ऑफ द कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स और द आयंस नोट पॉइंट accelerations are very for act for very short period acceleration acts for very short period kyun aisa hai abhi humne kaha it is because of the collision aisa kyun hota hai it is because of the collision yahan likhte rahe hum it is Because of the collision and collision between ions, electrons, etc. So that is the note point that acceleration act over the electron, but the period of the acceleration that is the short. Because the electrons will collide with themselves or with the ions, so it is all about the drift velocity. देखो अभी हम लोग देखेंगे मोबिलिटी क्या है. अभी समझे drift velocity क्या है. तो average velocity of an electrons that moves against the electric field. Now what about the mobility? Generally, common तौर पे हम देख रहे हैं mobility को हम पहले तो symbol mobility को हम mu से represent करते हैं. Mobility को mu से represent करते हैं. और आप समझो यहाँ पर mobility क्या है. देखो electrons का movement, क्योंकि हम यहाँ पर electron देख रहे हैं, that is the free electrons. और इन सभी का मूवमेंट अंडर द फील्ड हो रहा है. फील्ड आपने अप्लाई किया, हमने पोटेंशियल लगाए, तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुआ. और ड्रिफ्ट होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन एक एवरेज ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी के साथ ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आ रहा है. अभी देखो आप समझो यहां पर कि यहां पर जैसे आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं फील्ड बढ़ रहा है, पोटेंशियल घटा रहे हैं फील्ड घट रहा है. ठीक. दूसरी बात, सभी ने एक कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी को गेन किया. इससे ये सब इलेक्ट्रॉन्स जो आप देख रहे हैं ये मूव कर रहा है अगेंस्ट दिस वन. सपोज करो कि एक बॉल को हमने एक बॉल को यहां से थ्रो किया और ये बॉल जो आप यहां पे ले रहे हैं इन ये सभी बॉल मूव कर रहा है और उसको इधर आना है. ये इस बीच में दैट इज द मोशन मोबिलिटी. और ये इस बीच में सभी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा है. ये सब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा है और तब कोलिजन करके वो बॉल यहां आया ना. अब देखो अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा. और जब पोटेंशियल बढ़ाएंगे फील्ड बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ेगा. और उस कोलिजन में अगर हम इसको मूव कराते हैं बॉल को तो इट विल स्ट्राइक विद द नंबर ऑफ टाइम्स विद दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. माने कोलिजन इनका ज्यादा हो जाएगा, पहले कम था अभी ज्यादा हो गया. इसका मतलब फील्ड अगर बढ़ता है तो ऐसे में कोलिजन बढ़ता है और जब कोलिजन बढ़ेगा तो इसकी मोबिलिटी घट जाएगी. एक बात समझे हम लोग. दूसरा बात, अगर हम यहां पर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जो ये वेलोसिटी हमने दिया, मान लो सपोज करो बॉल को वेलोसिटी दिए, अगर ये वेलोसिटी बढ़ रहा है तो ये थोड़ी तेजी से मूव करेगा, इसके अंदर मूव करेगा. तो हमारे पास दो रिलेशन है, एक वेलोसिटी और एक फील्ड. और ये दो रिलेशन हमको इसके मोबिलिटी को बता रहा है. बॉल का जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी को बता रहा है. और यहां पर हम देख रहे हैं That means mobility is related with these two factors, two physical quantity. One is the drift velocity and another is the electric field. अभी इतना बात समझे हम लोग कि यहां पर अब हमको यहां मिल रहा है कि mobility क्या है. It is the ratio between the drift velocity to that of the applied electric field. It is the
रेशियो बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे में हमको क्या मिल गया दैट मोबिलिटी इज इक्वल टू रेशियो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार और समझने का कोशिश करो, मोबिलिटी मूवमेंट दैट डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर, वन इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनदर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम यहां बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा दैट मींस कोलिजन इंक्रीज करेगा अमंग द चार्ज व्हिच मूव्स ऑन दैट केस द मोबिलिटी विल रिड्यूस एंड दैट इज व्हाई इट इज रेसिप्रोकल एंड इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल इंक्रीज सो द दैट मींस देयर इज द लेस कोलिजन। क्यों ऐसा है? कम कोलिजन होगा तभी जाकर के वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो ये भी मोबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और इन्हीं दोनों रिलेशन को देख करके हमने कहा इट इज द रेशियो बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रिलेशन हमारे पास आ गया। नाउ अभी हमने पढ़ा है कि दैट वीडी इज इक्वल टू सिंस वीडी इज इक्वल टू हाउ मच इट इज माइनस इफ वी कंसिडर इलेक्ट्रॉन और फॉर द चार्ज इट इज द ई बाई एम इन टू टॉ That is the relation. So, if this drift velocity को हम यहाँ रखते, तो mobility is equal to that is the E by M for E into tau by 1 by E. Now, here E and E cancel. What left? That time is the relaxation time is here. Mu is equal to E by M. और यहाँ पर हम relaxation time को यहाँ tau को लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर दो बात आ रही है हमारे पास। क्या आ रही है? अगर हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ऐसे में अगर हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो यहां माइनस कर देंगे, यहां भी माइनस दिखाएं, लेकिन ये कब कर रहे हैं? जब हम वेक्टर को रिलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर वेक्टर नहीं दे रहे तो यहां देने की आवश्यकता नहीं है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहां बात कर रहे हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सब जगह कॉन्स्टेंट है और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मीन्स द वैल्यू ऑफ द ई इज कॉन्स्टेंट, वैल्यू ऑफ दिस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो वी नो दैट 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। सो दिस टू आर कॉन्स्टेंट कैरेक्टर। सो ऑन दैट केस ई वाई एम इज कॉन्स्टेंट। कहां पर हम लोग देख रहे हैं? कंडक्टर में। और यहां पर हम इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसलिए यहां पर इस रेशियो को कांस्टेंट किए हैं। इसका मतलब मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द टॉप रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। अब बात उठ रहा है कि रिलैक्सेशन टाइम इज द जस्ट आई टोल्ड इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। सो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम पीरियड अगर वो बड़ा रहेगा तो मोबिलिटी फ्रीली वो मूव करेगा, लेकिन अगर कम है, बार बार कोलिजन कर रहा है तो मोशन उसका मोबिलिटी कम होगा। इसका मतलब यहाँ टॉर्क के साथ रिलेशन है, किसका? इलेक्ट्रॉन के केस में हम लोग ले रहे। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर लेते हो तो वहां पर मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन दैट ऑफ द होल, क्योंकि सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर दो है, एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा होल्स है। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, इन सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर दो होता है, एक हो गया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब ये दोनों करंट कैरियर है, ऐसे में होल का मास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन का कम है, इसलिए हम क्या कहते हैं द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर। यहां पर क्या मिल रहा है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो ये एक नोट पॉइंट हमारे पास आ गया। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहां पे होल का मास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है। तो जहां पर मास
चार्ज बाय मास कांस्टेंट है वहां रिलैक्सेशन टाइम देखते हैं, लेकिन जहां पर चार्ज बाय मास में डिफरेंस आएगा तो फिर मोबिलिटी उस पर भी डिपेंड करेगा। तो यहां पर हम लोग क्या समझे, मोबिलिटी समझे, दिस ऑल अबाउट द मोबिलिटी। नाउ दिस ऑल अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द relation between the current and the drift velocity, and then after relation between the current density and the drift velocity. Okay, thank you.